गुड इवनिंग दोस्तों, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू इम्पॉर्टेंस ऑफ वेजिटेबल्स एंड स्पाइसेज इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड नेशनल इकोनॉमी। लास्ट टाइम आई हैव टोल्ड अबाउट वेजिटेबल्स इम्पॉर्टेंस इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड नेशनल इकोनॉमी। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू स्पेशली स्पाइसेज, रोल ऑफ आर इम्पॉर्टेंस ऑफ स्पाइसेज इन ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड नेशनल इकोनॉमी एंड अदर थिंग्स अबाउट स्पाइसेज। The spices are an important part of human nutrition and national economy. मसाले जो हैं मनुष्यों के भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग है तथा हमारे राष्ट्रीय आय में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान है। They help in adding taste and flavor to the food. ये जो हैं भोजन को स्वादिष्ट तथा सुगंधित बनाने में इनका बहुत बड़ा सहयोग है। They also have medicinal properties and they help in bringing out the unique flavor to the food. इनका बहुत ही अच्छा योगदान औषधीय गुणों के कारण भी है मनुष्य के लाइफ में, और ये सुगंध बनाने में, भोजन को सुगंधमय बनाने में इनका बहुत अच्छा रोल है। दे आल्सो यूज एज फूड प्रिजर्वेटिव फॉर प्रोसेस फूड आइटम। जैसे कि आप लोग जानते हैं इनका रोल जो है वो भोजन को सुरक्षित रखने या बहुत से जैसे पिकल्स हम लोग अचार बनाते हैं उनको भी संरक्षित करने में बहुत अच्छा रोल है। को बिना मसालों के पिकल्स का कोई प्रिजर्वेशन नहीं किया जा सकता। किसी चीज़ का अचार हो उसको सुरक्षित नहीं रख, संरक्षित नहीं किया जाता, प्रिजर्व नहीं किया जा सकता, आप लोग जानते हैं। और अगर देखें एक्सप्लेनेशन करें इसका थोड़ा डिटेल में, द स्पाइसेज फ्रॉम इंडिया आर एक्सपोर्टेड इन ग्लोबल मार्केट्स एंड दे हेल्प विद द ग्रोथ ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। मसाले का जो निर्यात है भारत से पूरे विश्व को किया जाता है, और इस प्रकार उनका राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ा योगदान है। देयर आर मेनी स्पाइसेज दैट आर ग्रोन अक्रॉस द कंट्री एंड आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। बहुत से ऐसे मसाले भी हैं जो हमारे देश के अतिरिक्त बाहर विदेशों में भी पैदा किए जाते हैं और हमारे स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। स्पाइसेज लाइक जिंजर एंड टर्मेरिक हैव एंटी इन्फ्लेमेटोरी प्रॉपर्टीज। स्पाइसेज मसाले जैसे अदरक तथा हल्दी का एंटी इन्फ्लेमेटोरी गुण के कारण ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। द स्पाइस लाइक क्यूमिन एंड सिनामोन हेल्प्स इन डाइजेशन एंड फॉर वेट इश्यूज। जैसे कि आप लोग जानते हैं जीरा तथा दालचीनी का बहुत बड़ा रोल है पाचन में, तथा जो हमारा वेट है उससे बहुत, हमारा वजन है उससे बहुत अच्छा रिजल्ट देता है कि वेट हमारा संतुलित रहे। फूड बिकम्स टेस्टी एंड न्यूट्रिशियस व्हेन स्पाइसेज आर एडेड टू देम। इंडिया इज नोन फॉर इट्स वाइड वेराइटी ऑफ स्पाइसेज दैट आर एक्सपोर्टेड दैट कंट्रीब्यूट टू द नेशनल इकोनॉमी। हमारा देश जो है वो विभिन्न मसालों के लिए जाना जाता है, विभिन्न प्रकार के मसालों के लिए जिनका निर्यात किया जाता है और उनका राष्ट्रीय आय में बहुत बड़ा महत्व है। अनदर जनरल पॉइंट्स अबाउट स्पाइसेज आर दीज, इंडिया शेयर इन वर्ल्ड ट्रेड ऑफ स्पाइसेज इज अराउंड 18%। जो हमारे भारत का योगदान है विश्व मसाले के व्यापार में लगभग 18% है। स्पाइस ऑयल इज ऑब्टेन्ड बाय स्टीम डिस्टिलेशन मेथड, और जो मसाले से तेल निकाला जाता है वो भाप डिस्टिलेशन मेथड से निकाला जाता है। इंडिया इज नोन एज होम ऑफ स्पाइसेज, हमारे भारत देश को मसालों का घर कहा जाता है। लार्जेस्ट एरिया अंडर स्पाइसेज इज राजस्थान, हमारे भारत में जो स्टेट है राजस्थान राज, वहाँ पे सबसे ज़्यादा मसालों का क्षेत्रफल है, सबसे ज़्यादा एरिया में मसाले पैदा किए जाते हैं। हाईएस्ट प्रोडक्शन अंडर स्पाइसेज आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश जो है राज्य वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर प्रोडक्शन होता है मसालों का। ब्लैक पेपर एंड टर्मेरिक कंस्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ टोटल एक्सपोर्ट अर्निंग फ्राम एमंग स्पाइसेज। मसालों में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट होता है वो काली मिर्च तथा हल्दी का होता है, 50% एक्सपोर्ट होता है। केरला इज नोन फॉर ब्लैक पेपर प्रोडक्शन 94% प्रोडक्शन। कार्डामोन काली मिर्च, कार्डामोन इलायची का प्रोडक्शन होता है यहाँ के 60%, जिंजर का 25%। आंध्र प्रदेश नोन फॉर मैक्सिमम प्रोडक्शन टर्मेरिक एंड चिली। राजस्थान फेनुग्रीक, मेथी एंड फेनेल, सौंफ, कोरिएंडर, धनिया। गुजरात इज नोन एज फॉर क्यूमिन, जीरे का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो है आपका गुजरात में होता है। इंडिया, ऑल ओवर इंडिया अगर हम देखें तो ब्लैक पेपर का 54% एरिया तथा 26.3% प्रोडक्शन है पूरे यहाँ पे
ब्लैक पेपर काली मिर्च का, जिंजर का 70% प्रोडक्शन होता है ऑल ओवर इंडिया में, अगर देखें तो टर्मेरिक का 76% प्रोडक्शन होता है। USA मेजर इंपोर्टर एंड कंज्यूमर इलियो रेजिन्स का जो है यूनाइटेड अमेरिका जो है 50% जो है इंपोर्ट या आयात करता था उसका उपयोग करता है। ब्लैक पेपर इज आल्सो नोन एज किंग ऑफ स्पाइसेज, स्मॉल कार्डमोन छोटे इलायची को हम क्वीन ऑफ स्पाइसेज कहते हैं और टर्मेरिक को एंटी कैंसर स्पाइसेज कहते हैं और सिन्नामोन ओल्डेस्ट नोन स्पाइसेज है। इसके तरह और भी बहुत ही बेनिफिशियल है। अगर आप लोग जानते हैं छोटी इलायची के लिए अगर आप हैंडसम बनना चाहते हैं तो छोटी इलायची खाइए, आपकी स्किन में बहुत ही निखार आएगा। ये सब महत्व है और इसके अलावा अन्य भी बहुत महत्व हैं, आप देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।